मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा है, धूप सेकने लायक। और अभी हम खाना खाएंगे और इसके बाद से तो बैठ जाएंगे यहीं पे। अभी अरदास भी समाप्त हो चुकी है दूसरी, लेकिन आज मौसम ने अच्छा साथ दिया तो अच्छा ही है मौसम चारों तरफ। और सरोवर में सभी को मैं चाहता हूँ कि स्नान लें जब भी आप यात्रा पे आते हो श्री हेमकुंड साहिब, क्योंकि बहुत पवित्र जल है, उसमें आपके पाप वगैरह तो धुलेंगे ही धुलेंगे। आप जी के हजूर कड़ा प्रसाद हाजिर हन, बर प्रवान होन, प्रवान होया प्रसाद, संगत विच वरतान दी आग्या बख्शो, सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लावे वंद होवन, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा धरा। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आपका स्वागत प्रणाम है श्री हेमकुंड साहिब श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर से। और भाई मौसम तो ठीक ठाक है, अभी थोड़ी से बादल लगे हुए हैं, धूप भी आ सकते हैं, लेकिन अभी संगत धीरे धीरे पहुंच रही है और मौसम बढ़िया है भाई। तो अभी टाइम जो है ना लगभग 8:30 बज रहे हैं, तो संगतें इतनी जल्दी पहुंच जाती है, मैं सोचता हूं कि यार 4-5 बजे निकलना इतने ठंड में धाम से, फिर भी निकलते हैं, स्नान ले रहे हैं और यहाँ पे मौसम भी बढ़िया है, देखें। तो भाई अभी अचानक से धूप आ गई है बादलों के पास से, और धूप ऐसी कि एकदम शरीर गर्म हो गया, और जब धूप जाती है एकदम ऐसा ठंडा लगता है कि जम जाते हैं हाथ पैर। अभी बढ़िया लग रहा है ऐसे धूप में तो बैठने का, पूरा दिन भी बैठ जाएंगे हम, मज़ा ही आएगा क्योंकि ठंड इतनी है, तो इसलिए। तो भाई अभी देखिए पहली अरदास से पहले पहले इतनी संगतें पहुंच चुकी है, मौसम देखिए पीछे पहाड़ियां आप देखिए कि बर्फ लगी हुई है, मौसम बहुत ही बढ़िया। तो भाई आज के दिन 8 तारीख को संदीप सिंह जी का बर्थडे है, तो बाबा जी के दरबार के सामने यही प्रार्थना करता हूँ कि उनके बर्थडे में उनको खूब सारी खुशियाँ दे, उनके जीवन में खूब सारी खुशियाँ दे। तो हैप्पी बर्थडे वंस अगेन जो मेरे YouTube फैमिली YouTube सब्सक्राइबर हैं, हैप्पी बर्थडे। आज मौसम पूरे दिन अच्छा भी रहा और संगतों को अच्छा भी लगा होगा, ऐसे में दर्शन करना स्नान लेना, क्योंकि यहाँ पे देखिए संगतें पीछे स्नान भी ले रही है, और धूप भी बढ़िया थी और संगतों की मात्रा भी धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा थी। उधर से देखिए अभी तक संगतें आते हुए आ रही है, और कुछ कुछ दरबार में है, कुछ कुछ स्नान ले रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है सबसे बातें करके, और मौसम भी बढ़िया है तो भाई बैठने में भी मज़ा आ रहा है, फोटोग्राफी भी हो रही है। अभी अरदास भी समाप्त हो चुकी है दूसरी, लेकिन आज मौसम ने अच्छा साथ दिया तो अच्छा ही है मौसम चारों तरफ। और सरोवर में सभी को मैं चाहता हूँ कि स्नान लें जब भी आप यात्रा पे आते हो श्री हेमकुंड साहिब, क्योंकि बहुत पवित्र जल है, उसमें आपके पाप वगैरह तो धुलेंगे ही धुलेंगे। तो भाई लगभग अरदास भी समाप्त हो चुकी है दूसरी, और अब जो है संगतें
थोड़े से मंदिर के पास दर्शन के लिए आते हैं यहाँ का। और इस मौसम में अपना सजीव आयु तो भाई मतलब धूप लगने नहीं दे रहा, सीधा डुबकियाँ मार रहा है कुंड में, मैंने देख लिया था वहाँ से। इतना शौक क्यों चढ़ा है तुझे बीमार होने का? शौक नहीं, थोड़ा गर्मी ज्यादा हो रही थी ना। अच्छा गर्मी लग रही है, माइनस डिग्री टेम्परेचर में तेरे को गर्मी लग रही। वाह, तो अभी टाइम हो चुका है जाने का संगतों का, लेकिन आज जो मैक्सिमम जो संगत आई हुई है वो लुधियाना से आए हुए हैं। सर भी लुधियाना से हैं, सर भी लुधियाना से हैं, आप भी अच्छा अच्छा तो बाकी इधर सारे लुधियाना से हैं, फैमिली मेंबर्स होंगे सर के। तो कैसे रही यात्रा आज? मौसम भी बढ़िया था, बहुत बढ़िया रही यात्रा, अच्छी रही, कोई दिक्कत परेशानी? और आप लोगों की? सर दो जने आए हुए हैं, माता जी और सर दोनों आए हुए हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, फोटो भी करवाई और साथ में आपके आए की माता जी उधर बैठी हुई चलो जी की फतेह। थैंक यू जी, मिलके अच्छा लगा। लुधियाना आएंगे फिर मिलेंगे। थैंक यू। लगभग संगतें जा चुकी है, दो बज चुके हैं, अब हमारा भी टाइम हो रहा खाना खाने का, तो चलते हैं। देखो आज मौसम बहुत ही प्यारा था, बहुत ही बढ़िया खूबसूरत, और संगतें जाने की लगभग तैयारी कर रहे हैं। देखिए इधर से उधर सब जगह से, ये देख मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा है, धूप सेकने लायक। और अभी हम खाना खाएंगे और इसके बाद से तो बैठ जाएंगे यहीं पे, धूप सेकेंगे कुछ देर शाम तक जब तक धूप रहेगी। धूप आने से राहत ऐसे मिलती है, ऊपर छतों में चढ़े हुए हैं ये देख है? अरे लंच, हाँ यार कभी कभी गलती से निकल जाता भाई मुँह से। हाँ हाँ पता है, सबको पता है धूप के मजे ले रहे हैं। और अभी भाई काले बादल आने स्टार्ट हो गए, अभी थोड़ी देर में धूप जाएगी तो इसके जैकेट वगैरह सब निकल जाएंगे। दो बजे के बाद और 5-7 बजे तक टाइम स्पेंड करना भाई बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। किससे बात करें, क्या बात करें, ऐसे ही होता है। दोस्तों के साथ थोड़े गेम खेल लेते हैं तो ऐसे टाइम स्पेंड होता है। सो भी नहीं सकते, सोएंगे तो फिर रात को नींद नहीं आएगा। बाकी यार अभी ना कोहरा ऊपर ऊपर चोटियों पे लगा है, बाकी देखो पूरा खाली। मॉर्निंग 8 से लगभग 2 बजे तक संगत रहती है यहाँ पे, बाकी अभी खाली हो जाते हैं। तो भाई यहाँ पे तो हर दिन नए नए कुत्ते, उसको देखो सपना हो रहा है, सपने में पैर ही ला रही, ये देखो सपना हो रहा है इसको। अभी मस्त धूप में गर्मी हो रही है तो पैर वैर ला रही है। तो भाई देखिए आसमान में इतने सारे कवे पता नहीं क्यों उड़ रहे हैं, देखो। और अभी हम है छत में क्योंकि धूप है, तो धूप सेक रहे थे कपड़े भी सुखाने के लिए। मैं अभी शाम के मौसम देखे, कोहरा लगा हुआ है सारी चोटियों के पास, बहुत अच्छा मौसम। तो भाई लगभग 7 बज चुके हैं और अब तैयारी होगी अपना खाना खाने की। देखिए पर कोहरा वैसे का वैसी है, और हम सब दोस्त अभी बैठे हुए थे कबड्डी खेल रहे थे, थकान लग गई आज तो। तो भाई दुकान में लाइट का सिस्टम नहीं है तो ये यहाँ चार्ज करने आते हैं, पावर बैंक लेके जा रहे हैं और खा मूंगफली। तो भाई दोस्तों इसी के साथ फिलहाल आज का ब्लॉग भी एंड कर देते हैं, और अगले दिन मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।